अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। लगातार हो रही चोरी और लूट की वारदात से लोग दहशत में हैं। पुलिस दावों के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। इक्का दुक्का छोटे मामलों का पर्दाफाश कर वाहवाही लूटने वाली पुलिस हाल में हुई चोरी और लूट की वारदातों को सुलझा नहीं पाई है। आए दिन अपराध के ग्राफ में इजाफा पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। एक मामले को लेकर पुलिस सुलझाने की कोशिश करती है, दूसरी वारदात हो जाती है। तेजी से बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ है। वे चैन से रात में सो भी नहीं पा रहे। साथ ही जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं कुछ ऐसे ही मामले उस समय सामने आए जब मुरादाबाद जनपद के थाना कटघड़ क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने एक चोर को साइकिल चलाते हुए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गोविंद नगर में एक युवक घर के बाहर खड़ी साइकिल को चोरी करके ले जा रहा था। उस दौरान लोगों ने चोर को पकड़ लिया और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए चोर की पहचान करुणा क्षेत्र के रहने वाले सोनू उर्फ दानिश के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने चोर को जेल भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर कब जाकर इस तरह की वारदातों पर विराम लग पाएगा और लोग कब चैन की नींद सो पाएंगे।